राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को सभी महासचिवों, राज्य इकाई प्रमुखों और पार्टी के राज्य प्रभारियों के साथ बैठक की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के अलावा जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग, टिकट बंटवारा समेत कैंपेन को लेकर चर्चा की गई। खड़गे ने बैठक के बाद बताया कि पार्टी बेरोजगारी, अग्निवीर, अनियंत्रित मुद्रा स्फीति, किसान और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में कैंपेन शुरू करेगी। खड़गे ने कहा कि सेबी और अडानी के बीच साठगांठ के चौंकाने वाले खुलासे की जांच की जरूरत है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, शेयर बाजार में छोटे निवेशकों के पैसे को खतरे में नहीं डाला जा सकता। मोदी सरकार को तुरंत सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए और जांच के लिए जेपीसी का गठन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में संविधान पर हमला जारी है। जाति जनगणना लोगों की मांग है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, बेरोजगारी और अनियंत्रित मुद्रा स्फीति और घरेलू बचत में कमी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर हमारी नजर है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।